हेलो गाइस, हाउ आर यू? ऑफ स्लीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग द फ्रंट स्लीव्स, फोल्ड फ्रंट स्लीव्स लाइक दिस. सो प्लीज सी सी हाउ टू सीइंग स्लीव्स फ्रंट. आफ्टर देन आई विल सीइंग द ऑल एंड विल अटैच द of sleeves. You can take little bit help and take ideas and perfect ways. So please see. हाँ, तो ये मैं जोड़ रही हूँ आस्तीन. ये मैं आधा इंच की तकरीबन मैंने फोल्ड की है फ्रंट से. ये मैं सी रही हूँ इसको. पहले मैं इसको सी रही हूँ. पहले मैंने एक सिलाई लगाई है फोल्ड करके. अब मैं सेकंड ऊपर से एक और लगा रही हूँ. जो हम दो सिलाइयाँ करते हैं तो इससे ज़रा थोड़ी बैठी हुई सिलाई अच्छी लगती है. तो ये मैं एक सिलाई और लगा रही हूँ. ये मैं दोनों स्लीव्स तैयार करके पफ के साथ कैसे लगाती हूँ वो आप देखिए प्लीज़. तो मैं ये मैंने ये आस्तीन का फ्रंट सी लिया है. यानी कि जो आस्तीन बाजू के पास से जो होती है वो मैंने इसको पहले मोड़ लिया है किनारे. अब मैं इसके बाद इसको साइड से सीऊँगी. उसके बाद मैं अटैच करती हूँ. देखते जाइए, ये सीधी सिलाई लगा दी है मैंने. अब मैं इसको पूरी सिलाई वहाँ तक करूँगी जहाँ बाजू एंड होता है ऊपर से. ये मैं सीती हुई जाऊँगी और ये स्लीव्स मैंने पफ वाली काटी हुई है. यानी थोड़ी सी चुन आई है इसमें ऊपर. मैं ये बताना चाहती हूँ कैसे लगाई है मैंने. जो कि गेज़र बिल्कुल ठीक बैठती है, इसका क्या तरीका होता है जो गेज़र को ठीक बैठती है ना, उधर जाएगी बैक पे जाएगी. क्योंकि बैक पे बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, फ्रंट पे आना चाहिए. क्योंकि अगर फ्रंट पे यानी कि बीच में नज़र आनी चाहिए. तो इसका क्या तरीका है? तो बहुत आसान तरीका है. बस तरीके होते हैं, टेक्निक होती है. उससे फिर आपकी हर चीज़ बिल्कुल फिक्स बैठती है, इधर उधर नहीं जाती है. तो वो क्या तरीका है? अब देखिए मैं क्या बताती हूँ कि पफ वाली आस्तीन जो है इसकी सिलाई बैक पे नहीं जाएगी, पीछे नहीं भागेगी, फ्रंट पे नज़र आएगी. तो देखिए मैं क्या करती हूँ. अब मैं ये दोनों सीने तैयार कर लूँगी. अब देखिए क्या करती हूँ मैं. ये आस्तीन को मैंने सीधा किया है. अब मैं इसके अंदर रख के ये जो हिस्सा है ये बगल के पास का हिस्सा है आस्तीन का और कमीज़ का, इन दोनों को पकड़ के मैं आपस में अंदर के साइड पर रख के इसको मिला दिया. अब मैं यहाँ से सीते हुए जाऊँगी. यानी बगल के पास से ऊपर से नहीं सीऊँगी, नीचे से सीते हुए जाऊँगी. यहाँ से सीती हुई शोल्डर तक जाऊँगी. अगर ये फ्रंट हिस्सा है तो मैं 1 इंच पहले छोड़ दूँगी सिलाई को, और अगर बैक हिस्सा है तो 1 इंच से कम छोड़ूँगी. फिर क्या होगा, क्यों छोड़ूंगी? तो ये देखिएगा क्यों छोड़ूंगी. यहाँ मुझे छोड़ा है हिस्सा हिस्सा छोड़ा है क्योंकि ये जो आस्तीन है शोल्डर के हिसाब से बड़ी रखी जाती है ताकि इसमें गेज़र आए. तो अभी जो है मैं इसको सीते हुए जा रही हूँ और 1 इंच फ्रंट से छोड़ना है आपने. बैक से चाहे आप आधा इंच छोड़ें, लेकिन फ्रंट से आपने 1 छोड़ें या इससे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हैं चुन के लिए. तो आपकी गेज़र जो है बहुत अच्छी बैठेगी. देखिए मैं यहाँ तक सीती हुई जाती हूँ. सॉरी, मेरा कैमरा ज़रा एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसी को सेट करने में लगी हुई हूँ मैं.
मैं चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से नजर आए। ये मैं सीधी भी जा रही हूँ और ये कंधा देखूँगी। जब कंधा आ जाएगा ना, बिल्कुल कंधे की जो बीच की सिलाई होती है उससे मैं 1 इंच पहले छोड़ दूँगी सिलाई को, मैं निकाल दूँगी यहाँ से। उधर से फिर सीधी भी आऊँगी, पूरा कंधे तक नहीं लेके जाऊँगी। शोल्डर की सिलाई, बीच जो सिलाई होती है उससे 1 इंच पहले मैं मशीन यहाँ से सिलाई निकाल दूँगी, यानी छोड़ दूँगी सीना उधर से। ये मैंने निकाल दिया, ठीक है, मैं निकाल दिया शोल्डर की सिलाई से पहले, जो बीच शोल्डर के बीच की सिलाई होती है। अब मैं वही चेस्ट के पास से, यानी बगल के पास से दोबारा सीना शुरू कर रही हूँ। फिर इधर से आऊँगी सीती हुई, फिर मैं गजरा डालूँगी, मशीन उतारूँगी नहीं बल्कि गजरा डालना शुरू कर दूँगी। अब देखिए कैसे करती हूँ। ये अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दोबारा सीती हुई, और ये मैं सीधी ही जा रही हूँ और सीधे सीधे ये मैं पहुँच गई हूँ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ऊपर की दोनों सिलाइयाँ अलग कर, अब मैं यहाँ पे चुन डालना शुरू करी। अब ये मैंने ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया है, मैं आस्तीन में चुन डालूँगी। ये नीचे का थोड़ा सा हिस्सा इस कपड़े में चुन डालूँगी, आस्तीन वाले में। अब मैं ये देखिए हाथ से थोड़ी थोड़ी गेजर मैं डालती जा रही हूँ। ये मैंने डाल लिया, ठीक है, यहाँ से डालती हुई जा रही हूँ। इसको इसके बराबर, जितना हमने ऊपर से छोड़ा है ना कपड़ा, इसके बराबर कर लेना इस चुन को डाल के। अब ये मैंने डाल ली, अब मैं कपड़े को पलट के जो है, यानी फोल्ड करके, तो यानी ऐसे थोड़ा सा पलट के, तो अब मैं इस पर सिलाई कपड़े आस्तीन के साथ जोड़ दूँगी इसको, यानी शोल्डर को सी दूँगी। अब मैंने देखी है कि चुन बराबर हो गई, तो अब मैं इसको सीती हुई फाइनल जा रही हूँ। तो ये है गेज़र को ठीक बैठाने का तरीका, यानी जो फ्रंट का कंधा है बीच की सिलाई से 1 इंच पहले छोड़ दीजिए मशीन से, निकाल दें उसे, फिर दूसरी साइड सीते हुए आइए, फिर वहाँ से आधा इंच छोड़िए पीछे से बैक से। तो फिर जितना कपड़ा लूज़ रह जाएगा तो वो चुन देख लीजिए, उस हिसाब से हाथ से गेज़र देते जाएँ अगर आप दे सकते हैं हाथ से, वरना कुछ और तरीके होते हैं, दो सिलाइयाँ मार के भी उस तरह भी गेजर खींची जाती है। अच्छा, अब ये मैंने फाइनल सिलाई जो है ना, वैसे तो मैं एक लगा चुकी थी लेकिन मैं एक और राउंड देती हुई जा रही हूँ इसमें फाइनल। हमेशा 2 राउंड देने चाहिए आस्तीन में, जो इससे आस्तीन की सिलाई भी अच्छी बैठती है और नज़र भी अच्छी आती है। तो ये है गेजर वाले आस्तीन को सही तौर पे गेजिंग बिठाने का तरीका। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सही तो नज़र नहीं आता लेकिन ये है कि आइडियाज़ हो जाती हैं। देखिए गेजर बना दिया आस्तीन मैंने, चुन डाली, देखिए ये गेजर जो है मैं चाह रही हूँ आपको दिखाना सही तौर पे। ये देखिए गेजर पड़ गई है।